वीडियो पसंद आने पे लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। हेलो गाइज, वेलकम टू बाय टू बाय चैनल। मेरा नाम है कुंदन, और आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं मुंगेर जिला वर्सेस भागलपुर जिला की। देखेंगे हम दोनों जिला किस क्षेत्र में आगे है और किस क्षेत्र में पीछे है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी शहर बड़ा या छोटा नहीं होता, हर शहर अपने अपने जगह बेस्ट है। जब भी हम किसी शहर को किसी शहर के बीच कंपेयर करते हैं तो इसे काफ़ी सारी नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें हमारे सामने आता है, और ये हमारे लिए अच्छा है क्योंकि इससे पता चलता है कमियाँ कहाँ पर है, जिसे आगे चलकर उस क्षेत्र पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लास्ट में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मुंगेर और भागलपुर दोनों ही बिहार राज्य का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, और दोनों जिला गंगा नदी के तट पर स्थित है। पूर्व में मुंगेर भागलपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था। सन 1832 में भागलपुर से अलग होकर मुंगेर जिला बना है। क्षेत्रफल के मामले में भागलपुर मुंगेर से बड़ा है। यहाँ का क्षेत्रफल 2569 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि मुंगेर जिले का क्षेत्रफल 1419 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। भागलपुर का पॉपुलेशन 2011 के जनगणना अनुसार 30,37,000 है, और इस जिले में 1515 गांव और 16 ब्लॉक शामिल है, जबकि मुंगेर जिले की कुल आबादी 2011 के जनगणना अनुसार 13,67,000 है, जो कि भागलपुर के आबादी से आधे से भी कम है, और इस जिले में 923 गांव और 9 ब्लॉक शामिल है। शिक्षा विभाग के क्षेत्र में भागलपुर में सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एवं तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के अलावा अन्य कई कॉलेज अवेलेबल है, और यहाँ का साक्षरता दर 81.16% है, जो कि मुंगेर जिले से कई अधिक है, और बिहार के कई जिलों से यहाँ की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी बेहतर है। वहीं मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं अन्य कई कॉलेज समेत यहाँ कॉलेजों की संख्या 11 है, और यहाँ का साक्षरता दर 76.87% है, जो कि भागलपुर से कम है। औद्योगिक क्षेत्र में भागलपुर गंगा के मैदानी इलाके होने के कारण यहाँ की जमीन बहुत ही उपजाऊ है, और मुख्य फसलों में चावल, गेहूं, मक्का, जौ, तिलहन शामिल है। भागलपुर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और छोटे व्यवसायों पर निर्भर होती है, और भागलपुर जिला रेशम उद्योग से जुड़ा हुआ है, जो पूरे भारत में अपने तसर रेशम और भागलपुरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। रेशम के कीड़े द्वारा प्रसिद्ध तसर रेशम का उत्पादन होता है, जिससे तसर साड़ी का निर्माण होता है। सिल्क इंडस्ट्री और कृषि विश्वविद्यालय दोनों ही भागलपुर शहर में स्थित है। अगर मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में गन फैक्ट्री, सुधा फैक्ट्री, रेल वर्कशॉप, जिससे हजारों लोगों को कार्य मिलता है। जमालपुर रेल वर्कशॉप एशिया का सबसे पुरानी और सबसे बड़ा रेल वर्कशॉप है, और ये वर्कशॉप 1862 में ब्रिटिश राज द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ एक योग विश्वविद्यालय भी है, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योग विश्वविद्यालय में से एक है, और इसलिए मुंगेर को योग नगरी भी कहा जाता है। यहाँ का गन फैक्ट्री दुनिया भर में मशहूर है, और इस गन फैक्ट्री को भी ब्रिटिश राज में ही स्थापित किया गया था। इसके अलावा इस जिले में एक सिगरेट फैक्ट्री भी अवेलेबल है। मॉल कल्चर की बात करें तो दोनों ही शहर में मॉल कल्चर है। दोनों ही शहर में कई तरह के शॉपिंग मॉल और फूड जैम्स अवेलेबल है। भागलपुर में मुंगेर से कई ज़्यादा फूड जैम्स अवेलेबल है, लाइक डोमिनोज, पिज्ज़ा, KFC, और दोनों ही शहर में कार शोरूम भी अवेलेबल है। लेकिन दोनों शहर में से किसी भी शहर में ऑडी, BMW जैसी महंगी लग्जरी कार शोरूम अवेलेबल नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो दोनों शहर में से किसी भी शहर में अभी तक कोई मेट्रो और ना ही कोई एयरपोर्ट है, लेकिन दोनों शहर में आने जाने के लिए ट्रेन, बस, नाव एवं लोकल ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया जाता है। मेडिकल क्षेत्र में भागलपुर में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 17 हॉस्पिटल है, वहीं मुंगेर में 7 हॉस्पिटल है। इसके अलावा दोनों शहर में प्राइवेट स्तर से मरीजों को उच्चतम इलाज की व्यवस्था है।
दोनों शहर में सरकारी और प्राइवेट मेडिकल क्षेत्र दिन प्रतिदिन उन्नति पर है और उन्नति होने के कारण दोनों शहर में रोजगार के काफी अवसर भी बनते हैं। दोनों जिला की पर्यटक स्थलों की बात करें तो भागलपुर में मंदार हिल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, श्री चंपापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र, तिलका मांझी एवं महर्षि में ही आश्रम है। वहीं मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में चंडी स्थान, पीरसा का मकबरा, सीताकुंड, मनपत्थर सीताचरण, कस्टर्नी घाट, गोयनका शिवालय, मिर्ची तालाब एवं मीर कासिम के द्वारा बनाई गई गुफा अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका कोई भी सवाल, कोई भी जवाब हो तो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।